माफिया डॉन अतीक अहमद अब पुलिस रिमांड में, पुलिस की पूछताछ, वह अपने जुर्म कबूल कर रहा है। वो कबूल कर रहा है कि पूरी प्लानिंग उसी की थी। वो कबूल कर रहा है कि उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश मैंने रची, पुलिस वालों को मारने की भी पूरी प्लानिंग मेरी थी। किडनैपिंग केस आखिरी स्टेज में था। उमेश हमारे खिलाफ बोल रहा था। उमेश जिस तरीके से खुलेआम बोल रहा था उससे गलत मैसेज जा रहा था। उमेश को ना मारने से हमारे नाम का खौफ खत्म हो जाता। दिन दहाड़े हत्या से लोगों में दहशत फैलाना चाहता था। इलाहाबाद के लोगों को ये बताना था कि अतीक अभी जिंदा है। अशरफ ने अतीक के कहने पर शूटर्स का इंतजाम किया। शूटर्स बरेली जेल में मिला था अशरफ। ये कैसे नैरो डाउन किया इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, दो दो गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनको इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। इससे पहले कल माफिया अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड मामले में विवेचकों को दिए अपने बयान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्करे तैयबा से संबंध होने की बात कबूल की थी। ये कैसे नैरो डाउन किया इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, दो दो गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए।